दिव्य दरबार वो है जहाँ बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर उपस्थित होकर के सबको अर्जी लगा जो अर्जी लगाए हुए हैं बागेश्वर धाम में उनका अर्जी स्वीकार करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कवर्धा में आए हैं और जो प्रवचन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आप सब जानते हो कि पूर्व में कवर्धा कैसा था और अभी कैसा हो गया है। जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जोहार मितान चाहे में स्वागत है, वेलकम है संगवारी हो। आज आए हैं हमन कंवरधा हमार धर्म नगरी में, जय संगवारी हो। दूसरा दिन हो गए श्री बागेश्वर धाम के कथा सुने पर आए भाई मन है, कहाँ से आए भैया? हाँ यही कंवरधा लोकस। अच्छा, कैलाश नगर। अच्छा, हरीन छपरा ग्राम। अच्छा, है मेरा वहाँ से मैं आया। आप मन कहाँ से आए? कवर्धा से हैं। अच्छा, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन ला दे देते हो। देखिए मेरा नाम उमंग कुमार तिवारी है और मैं हरीन छपरा से ही समीपस्थ ग्राम रामेपुर में रहता हूँ। हरीन छपरा मेरा निवास है, वहाँ से मैं बागेश्वर धाम की कथा श्रवण करने के लिए आया। आज मेरा द्वितीय दिवस है, कल भी मैं आया था और आज भी भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं यहाँ उनकी आशीर्वाद से यहाँ उपस्थित हूँ जी। हमार धर्म नगरी में पहली बार हमार बागेश्वर धाम जी के आगमन हो, क्या कहना चाहता हूँ? देखिए उत्सुक है, ये बहुत उत्साह का विषय है और हम सबकी सौभाग्य विषय है धर्म नगरी कवर्धा में, जहाँ हमेशा भगवान शंकराचार्य जी का आगमन और सदैव ऐसे हिंदुत्व की डंका बजती रहती है और हमें गर्व होता है कि हमेशा हिंदुत्व को जगाने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसे संत रहते हैं जो प्रेरणा स्रोत बन करके हम सबके मध्य उपस्थित होते हैं। अच्छा जी, और क्या कहना चाहता हूँ जो लाने हैं हमार अग्रवाल भाई मन है, बंधु मन है, उनका क्या कहना चाहता हूँ? उनको कोटि कोटि धन्यवाद जो कवर्धा की इस पावन भूमि में बागेश्वर धाम सरकार को ला करके असंख्य हिंदुत्व को एकत्रित करने का संकल्प लिया और सौभाग्य के विषय है कि आज हिंदू धर्म, आप जानते ही होंगे हिंदुत्व धर्म किस ओर जा रहा है और किस ओर जा रहा है, और हम सब चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द राम राज्य आए और हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने से हर वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा जो भारत देश में रहना चाहता है, क्योंकि आज के भारत को देखा जाए तो भारत भारत नहीं रहा है। इसीलिए बार बार हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से और बागेश्वर धाम में हम स्वयं अर्जी लगाते हैं कि भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र हो और जल्द से जल्द भारत शास्त्रों के आधार पर चले, वेदों के आधार पर चले और भारत राम राज्य पुनः स्थापित हो, ऐसे हम सबकी अर्जी भगवान बागेश्वर धाम में हम अर्पण करते हैं। तो आज दिव्य दरबार लगे है जी, तो आज के दिव्य दरबार में कतेक की जनसंख्या है आज? आज तो आप जनसंख्या देख ही रहे हो, लाखों की जनसंख्या यहाँ पर उपस्थित है और इसी प्रकार जनसंख्या कल भी उपस्थित थी और आज भी उपस्थित है और पुनः जब जब दरबार लगेगा, जब जब हनुमान जी का आयोजन होगा, जब जब भगवान श्री राम की कथा होगी, वहाँ अवश्य हिंदुत्व की डंका और हिंदू का झंडा, भगवा झंडा शान के साथ लहराता मिलेगा। अच्छा जी, तो दिव्य दरबार मतलब का चीज़ होते हैं, कैसे टाइप होते हैं, कुछ आप मतलब पता है? हमारे जो दर्शक मतलब नहीं पता है वाला बता कोशिश कर। दिव्य दरबार वो है जहाँ बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर उपस्थित होकर के सबको अर्जी लगा जो अर्जी लगाए हुए हैं बागेश्वर धाम में उनका अर्जी स्वीकार करते हैं। इनके विषय में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, जितना जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ दिव्य दरबार में ऐसा है कि जो व्यक्ति बागेश्वर धाम में अर्जी लगाते हैं, अपनी मन्नतें प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बागेश्वर धाम हर प्रकार से मदद करते हैं ताकि उनको अनुचित और समुचित अपने ही धर्म में रह करके अपना धर्म का डंका बजा सके और भगवान श्री सीताराम के चरणों में लग सके जी। ये दिव्य दरबार, इतना जानकारी है मेरे को और बाकी विशेष जानकारी मेरे को नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जोहार मितान के दर्शक वाला क्या कहना चाहता हूँ हमारे जो हिंदू के लिए? सबको मेरा हृदय से धन्यवाद और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में हिंदुत्व है वहाँ वहाँ अपने ग्राम से लेकर अपने मोहल्ले से लेकर के समस्त बच्चों को एकत्रित करके हिंदुत्व का डंका बजाएं और सभी लोग एकत्र होकर के बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर सभी से प्रार्थना है, युवाओं से प्रार्थना है कि सभी लोग हिंदुत्व के डंका बजाएं और हिंदुत्व का सपोर्ट करें और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े, राम राज्य की ओर बढ़े, यही हम सबकी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम। आप मन कहा कहना चाहता हूँ हमारे बागेश्वर धाम के लिए? बागेश्वर धाम सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो बुलाए हुए हैं उनको, अग्रवाल जी लोग को, और साथ ही बागेश्वर धाम सरकार की भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कवर्धा में आए हैं और जो प्रवचन कर रहे हैं। अच्छा, तो कब से जानता हूँ बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम 2023 में जब आए थे लास्ट टाइम, हाँ? तो मैं गया था कवर्धा रायपुर। अच्छा, तो वहाँ उनका दर्शन प्राप्त हुआ था,
साथ ही उनके अर्जी का भी लगा हुआ था, बाकी सभी लोगों का ये सब चीज है। कतेक खुशी लगा थे बागेश्वर? बहुत 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 ज़्यादा खुशी लग रहा है। यहाँ यहाँ का माहौल कैसे है? यहाँ का भी माहौल बहुत अच्छा है। कवर्धा में पहली बार हुए हैं और कवर्धा एक धर्म नगरी है, यहाँ हिंदुओं भी बहुत ये रहते हैं कि बागेश्वर धाम, हनुमान जी के बहुत भक्त हैं यहाँ, राम जी के भक्त हैं। तो भैया जी आप मल्ला हनुमान कथा याद है? हनुमान चालीसा जी जी, जी। तो दो लाइन हमारे दर्शक मल्ला सुनाए की कोशिश करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप मन का कहना चाहते हो? बस भैया बहुत बड़े आज खुशी, बहुत बढ़िया खुश हैं भैया, अति सुंदर भव्य कार्यक्रम बहुत ज्यादा बोला, शब्द से बयान नहीं कर सकन। ये पास अपन कवर्धा के पास से 9 किलोमीटर दूर हरिण छपरा गाँव से लेके आया हो, बता सकता है? अर्जी हमारे तो लगना असंभव से लगा थे, कावर के हम लेट मनाए हैं। दुख पीरा तो बहुत ज़्यादा है भैया, अच्छा। एक हर वजह से दुख पीरा है कि जौन भी आज के डेट में जो होते है हमारे आसपास में जो ओखल हिंदू धर्म के प्रति बोल हिंदू मल्ला जागना बहुत आवश्यक है। हाँ ऐत के कहना चाहता हूँ और हम लोग बहुत खुशी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहने का तो बहुत शब्द है लेकिन असल मकसद और लक्ष्य हम सबका यही होना चाहिए कि हमारा भारत राम राज्य की ओर अग्रसर हो। राम जी तो आ गए हैं और साथ ही हम सभी से अपेक्षा करते हैं, बागेश्वर धाम से अर्जी लगाते हैं, पूज्य शंकराचार्यों के सभी के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं कि भारत राम राज्य की ओर बढ़े, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े, ताकि समस्त मानव जगत सुरक्षित रह सके। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर सबको सुरक्षा दिया जाता है, ये ऐसा धर्म है यहाँ अगर घर में गृहस्थ में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय माता की होती है और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। तो ये धर्म ऐसा है जिसमें सबको लेकर चलने वाला अगर कोई धर्म है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। और हम चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र हो और राम राज्य की अग्रसर हो जी। भैया जी जिसे अभी देखा तो कवर्धा ला पहली के काम तर रही से, अभी का बदलाव आ गया हमारे कवर्धा धर्म नगरी में? देखिए ऐसा है, आप सब जानते हो कि पूर्व में कवर्धा कैसा था और अभी कैसा हो गया है। पूर्व में यही कवर्धा है जिस कवर्धा में पूज्य पाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, सदैव उनका आशीर्वाद कवर्धा जिलों को मिलते रहा। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज जिनकी नगरी, उनको सदैव कवर्धा भूमि को आशीर्वाद मिलता रहा और आज भी पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। और उसी की प्रेरणा से भगवान हनुमान जी की कृपा से आज हमको बागेश्वर धाम के महंत श्री पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा कवर्धा शांतिमय हो और सुखमय हो, सभी प्राणी यहाँ खुशी रहें, सुख रहें, ऐसी हम सबकी अभिलाषा है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन हमारे जोहार मितान चैनल में अपन कीमती समय ला दिया होते के लिए बहुत बहुत। तो संगवारियों इसने वीडियो पर हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो चलो संगवारियों आओ देखे ला मिली हमारे चैनल में। तो जय सिया राम, जय सिया।